माफिया आतिक अहमद और अशरफ दोनों तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हथकड़ी फिलहाल दोनों को लगाई गई है। जी मीडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। धूमनगन पुलिस के साथ साथ तमाम जो पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं वो भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि माफिया आतिक और अशरफ दोनों को फिलहाल गाड़ी में बैठाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और यहाँ से माना जा रहा है कि किसी स्नेह या फिर दूसरे जो सबूत हैं इस हत्याकांड से जुड़े उनको जुटाने की जो कवायद है अशरफ और आतिक से की जा रही थी। और यही वजह है कि दोनों को यहाँ पर कसारी मशारी इलाके में पुलिस फिलहाल लेकर के आई थी और अब गाड़ियों में बैठाया जा रहा है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े तमाम जो एविडेंस तमाम जो साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट करने की जो कवायद है प्रयागराज पुलिस की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि ये गाड़ी देखिए माफिया आतिक अहमद और अशरफ दोनों तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हथकड़ी फिलहाल दोनों को लगाई गई है। जी मीडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। धूमनगन पुलिस के साथ साथ तमाम जो पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं वो भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि माफिया आतिक और अशरफ दोनों को फिलहाल गाड़ी में बैठाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और यहाँ से माना जा रहा है कि किसी स्नेह या फिर दूसरे जो सबूत हैं इस हत्याकांड से जुड़े उनको जुटाने की जो कवायद है अशरफ और आतिक से की जा रही थी। और यही वजह है कि दोनों को यहाँ पर कसारी मशारी इलाके में पुलिस फिलहाल लेकर के आई थी और अब गाड़ियों में बैठाया जा रहा है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े तमाम जो एविडेंस तमाम जो साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट करने की जो कवायद है प्रयागराज पुलिस की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि ये गाड़ी देखिए माफिया आतिक अहमद और अशरफ दोनों तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हथकड़ी फिलहाल दोनों को लगाई गई है। जी मीडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। धूमनगन पुलिस के साथ साथ तमाम जो पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं वो भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि माफिया आतिक और अशरफ दोनों को फिलहाल गाड़ी में बैठाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और यहाँ से माना जा रहा है कि किसी स्नेह या फिर दूसरे जो सबूत हैं इस हत्याकांड से जुड़े उनको जुटाने की जो कवायद है अशरफ और आतिक से की जा रही थी। और यही वजह है कि दोनों को यहाँ पर कसारी मशारी इलाके में पुलिस फिलहाल लेकर के आई थी और अब गाड़ियों में बैठाया जा रहा है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े तमाम जो एविडेंस तमाम जो साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट करने की जो कवायद है प्रयागराज पुलिस की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि ये गाड़ी देखिए माफिया आतिक अहमद और अशरफ दोनों तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हथकड़ी फिलहाल दोनों को लगाई गई है। जी मीडिया के पास ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। धूमनगन पुलिस के साथ साथ तमाम जो पुलिसकर्मी हैं जो सुरक्षा के लिहाज से लगाए गए हैं वो भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि माफिया आतिक और अशरफ दोनों को फिलहाल गाड़ी में बैठाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और यहाँ से माना जा रहा है कि किसी स्नेह या फिर दूसरे जो सबूत हैं इस हत्याकांड से जुड़े उनको जुटाने की जो कवायद है अशरफ और आतिक से की जा रही थी। और यही वजह है कि दोनों को यहाँ पर कसारी मशारी इलाके में पुलिस फिलहाल लेकर के आई थी और अब गाड़ियों में बैठाया जा रहा है। तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े तमाम जो एविडेंस तमाम जो साक्ष्य हैं उनको कलेक्ट करने की जो कवायद है प्रयागराज पुलिस की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि ये गाड़ी देखिए